हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ट्रेडर्स एचआर प्रश्न ग्रुप। तो जो मोस्ट अवेटेड डे था वेडनेसडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बहुत कुछ एनालिसिस आप देखे हैं, मार्केट में बड़ा गैप डाउन हो सकता है, बड़ा मूव हो सकता है, ये सबको पता है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, मैं सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, 6 बजे वीडियो बना रहा हूँ। तो डाउ जोन्स का कंडीशन अगर आप देखेंगे, मैक्रो फैक्टर का, लगभग मार्केट क्या किया, 350 पॉइंट्स डाउन था। तो इसके चलते इंडियन मार्केट में भी डाउन फॉल थोड़ा सा हुआ, लेकिन इतना बड़ा भी फॉल आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि लगभग SGX निफ्टी का जो ओपनिंग था 18,750 से लगभग 50 पॉइंट्स डाउन हुआ है। बट अगर देखेंगे डाउ जोन को, लगभग 350 पॉइंट्स का, 400 पॉइंट्स का डाउन फॉल देखने को मिला है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो इंडियन मार्केट है, वो हमारा जो RBI मॉनिटरी पॉलिसी आज आने वाला है, इसके चलते मार्केट थोड़ा पॉज हो गया है एंड उसी रिजल्ट को वेट कर रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मार्केट में रोज जो रिजल्ट आएगा, 35 पॉइंट जो इंक्रीज हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो 35 बेस पॉइंट्स ही इंक्रीज होगा, तो ये नॉर्मल सा इंक्रीज है, इसमें मार्केट के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज मार्केट इसको पॉजिटिव भी ले सकता है। ठीक है, तो इसके चलते मार्केट में क्या रैली होगा ये तो बाद में देखेंगे। तो सिंपल सा एनालिसिस यहाँ पे निफ्टी का देखेंगे। मैं यहाँ पे एक 15 मिनट का चार्ट में एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखा हूँ। ठीक है, तो निफ्टी के लिए जो अपसाइड का लेवल रहेगा, सिंपल सा 18,727 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। इसके बाद 18,783 एंड 8838, ये तीन लेवल आप देख सकते हैं। तो मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट जो मिलेगा हम लोगों को 18,720 का मिलेगा, इसके बाद 18,783। तो आर्टिस्ट ये दो टारगेट के लिए आप चलिए मंडे के लिए, और जो टारगेट्स वगैरह है मैं ड्रा करके भी रखा हूँ, इसको आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगा, आपको मिल जाएगा। डाउन साइड में क्या होगा, देखिए डाउन साइड में अगर मार्केट 18,620 के नीचे नीचे ट्रेड करेगा, तो पहला टारगेट हमारा मिलेगा 18,538 एंड 18,441। सिंपल सा एनालिसिस आप इसको ड्रा करके रखिए, अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें होगा। ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो प्लस, ट्रेंड के नीचे जाएगा तो माइनस। तो सिंपल सा एनालिसिस कीजिए, ज़्यादा क्रिटिकल करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी वही कंडीशन है, तो बैंक निफ्टी का कंडीशन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से इतना अफेक्टेड नहीं होगा वो RBI MPC के बाद, तो सिंपल सा यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है वो है 43,140 का लेवल। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 43,370, इसके बाद 43,500। सिंपल सा है, अगर ये 43,000 ये जो लेवल है 43,050, इसका नीचे ट्रेड करेगा तो हमारा पहला टारगेट जो मिलेगा 42,939, इसके बाद 42,746। और एक टारगेट आपको मिल सकता है ये वाला मिडिल में, दैट विल बी 48,876, मतलब 42,950 देन 876 देन 745। ये तीन टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट में आज ऑफसाइड मूव हो सकता है, क्योंकि RBI MPC जो हो रहा है उसका कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स निकल के आने वाला है, जो कि इंक्रीज होगा जो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, जो 35 BPS वो इतना बड़ा इंक्रीज नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होगा, तो इंटरेस्ट रेट विल बी समवॉट टॉलरेबल। ठीक है, तो ये इसको मार्केट पॉजिटिवली ले सकता है। अगर पॉजिटिवनेस आता है मार्केट में, तो मार्केट में का अच्छा खासा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, तो इसके हिसाब से आपको ट्रेड ही लेना है। तो ये 10 साढ़े 10 के बाद ही मार्केट में बड़ा मूव आएगा। अगर आपके पास फ्रेश पोजिशन कुछ लेना है आप लोगों को, तो अभी मत लीजिए, मतलब MPC का बाद आप ले सकते हैं, नहीं तो आप छोटा क्वांटिटी लेके हेज करके भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से हेज करने से भी ज़्यादा कुछ बड़ा फायदा नहीं होगा, हम लोग जैसे सोच रहे इतना बड़ा मूव मेरे हिसाब से मार्केट में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सिंपल सा वेट कीजिए, RBI का MPC डिक्लेरेशन का बाद आप प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री कीजिए। जो भी टारगेट मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा टारगेट आपको मिलने का चांसेस ज़्यादा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।